ना ना रुष्ट मत होइए देवराज जी, वो क्या है ना, बकरी बैल गधा घोड़ा सबको पालता हूँ मैं, वो भी उन्हें खिलौना बनाकर। बस राजा चोर, तो साहस की भी सीमा होती है, यदि युद्ध करना हो तो मेरे समक्ष खड़े रहो, अन्यथा अपनी पराजय स्वीकार कर अभी और इसी क्षण यहाँ से लौट जाओ। न अस्त्र न शस्त्र कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस ये रस्सियां ही पर्याप्त है तुम सभी को बंदी बनाने के। इंद्रदेव और अन्य देवता गण हमसे इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं? उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। किसने किसने किया है आक्रमण वायुदेव? नरका! वायुदेव, गणेश, माँ, वायुदेव कहाँ गए? उन्हें किसने खींचा? किसका नाम ले रहे थे वो? राक्षस नरकासुर। वायुदेव, हमारी आज्ञा के बिना आप कहाँ जा रहे हैं? वायुदेव, तुम वायु को ऐसे बांध कर नहीं रख सकते नरकासुर। पर एक बकरी को तो बांध के रख सकता हूं ना? वायुदेव, बस नरकासुर, बहुत हुई तुम्हारी उद्दंडता, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। अग्निदेव की अग्नि तुझे भस्म करेगी नरकासुर। वरुण देव के जल प्रवाह से तू बच नहीं सकेगा नरकासुर। गणेश, जो उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है उसके अनुसार देवता उसका सामना नहीं कर सकते। तब मुझे उनकी सहायता के लिए जाना चाहिए। बस हो गया संतोष? या अभी और कोई देवता भी है जो अपना पराक्रम दिखाना चाहता है? सूर्य देव की किरणों से कोई बच नहीं सका मूर्ख। मेरे तेज से तुम्हारे जैसे अहंकारियों का अहंकार पल भर में भस्म हो जाता है। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरण्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम। ओहो, इतना प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ? इंद्र, अब तुम्हारी बारी। क्या हो तुम? भेड़, एक कायर हीरू भेड़।
अब ये स्वर्ग भी मेरा हुआ और यहाँ के देवता भी। यहाँ तो कोई भी देवता दिखाई नहीं दे रहे और संपूर्ण स्वर्ग लोक पर अंधकार ही अंधकार छाया है। इतना शक्तिशाली कैसे है ये नरकासुर? कौन है ये नरकासुर? कौन है? क्या है? अब इस संसार को पता चलेगा। इस अंधकार में ही देवताओं का संकेत छिपा है। क्या हुआ, कैसे हुआ, पहले तो ये जानना आवश्यक है। देवराज का ऐसा अपमान तो कदापि उचित नहीं। इतना शक्तिशाली असुर है ये नरकासुर। क्या है उसकी शक्ति का रहस्य और कहां ले गया है वो देवताओं को? अंततः मेरे अधीन हो गए ये देवता भी। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र, तुम्हारी आवाज से ना मेरे कान पक जाते, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं क्या करता, देखो तुमने मुझे विवश कर दिया। ना 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 देवराज जी, यूं मिमिया कर मुक्त करने की भिक्षा मांगने का भी अवसर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसके लिए भी समय खत्म हो चुका है। बहुत देर हो गई मुझे। नरकासुर तो पहले ही देवताओं और स्वर्ग लोक को अपनी अंधकारी माया में बांध चुका है। कष्ट तो बढ़ेगा, नरकासुर के बंदी बने हो, कष्ट कैसे नहीं बढ़ेगा। अभी तो तुम्हें पता ही नहीं, ये रस्सियां साधारण रस्सियां नहीं, ये मंत्रित मायावी रस्सियां हैं, जो कि हर घंटे छोटी छोटी होती जाएंगी और ये फंदा तुम सबको कसता जाएगा। पता है ना, रस्सी जल जाती है पर उसका बल नहीं जाता। फंदा कसा नहीं कि तुम्हारे पुतले के टुकड़े बिखर जाएंगे। अब बस दया की भिक्षा मांगो, अब और कोई विकल्प नहीं है अहंकारी देवताओं। मांगो भिक्षा। माँ, प्रभु, यदि नरकासुर देवताओं पर इतना बड़ा महासंकट बनकर छाया है तो मुझे बताने की कृपा करें, वो है कौन, क्या है उसकी अपार शक्ति का स्रोत? पुत्र गणेश, उसे उसकी शक्ति माँ कामाख्या देवी से प्राप्त हुई है, उन्हीं का परम भक्त है वो। माँ कामाख्या देवी? कामाख्ये काम संपने कामेश्वरी हर प्रिये, काम नाम ते ही मे नित्यम कामेश्वरी नमुस्तुते। कामदे कामरूपस्ते सुभगे सुवसिते, करोमि दर्शनम देवना सर्व कामार्थ सिद्धे। कामाख्या वर्ते देवी नील पर्वत वासिनी, तन देवी जगन माता योनि मुद्रे नमुस्तुते। सभी शक्ति पीठों में सर्वोच्च, सभी शक्ति पीठों की रानी है वो माता कामाख्या, इसलिए उनकी पीठ को स्वामिनी शक्ति पीठ कहा जाता है। माता सती ने जब महादेव का सम्मान करने के लिए दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भस्म करने के लिए
जब उस यज्ञ कुंड में स्वयं की आहुति दे दी, तब सती के वियोग में महादेव उनकी देह को लेकर तांडव करने लगे, तो नारायण उन्हें शांत करने और जगत कल्याण की चेष्टा से देवी सती की देह को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में विभाजित किया। फिर पृथ्वी पर जहां जहां देवी सती की देह के भाग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। उन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक है माता का कामरूप कामाख्या शक्तिपीठ, जहां माता का कटी प्रदेश अंगिरा था। माता शक्ति के उसी अंग से माता कामाख्या देवी की उत्पत्ति हुई। रचनार्थ वक्ता, इच्छा और प्रजनन की देवी है माता कामाख्या। माता के गर्भ स्थान के समान होने के कारण यह शक्तिपीठ सभी शक्तिपीठों के केंद्र में है और माता कामाक्षी को सृष्टि माता के रूप में जाना जाता है। नरकासुर उन्हीं माता कामाख्या का भक्त है और वो उन्हीं की पूजा करता है। माता, आपकी कृपा मुझे कभी भी पराजित नहीं होने देगी, बस अपनी कृपा बनाए रखिए। देखिए ना, स्वर्ग ही नहीं बल्कि देवता भी मेरे अधीन है, वो भी पशु के पुतले में। आपका अनेकों अनेकों धन्यवाद माता। माता की कृपा से उनके शक्तिपीठ पर भक्तों को अद्भुत शक्तियां जैसे कि माया, मोहन, मारण, उच्चाटन जैसी शक्तियों में विशेष कृपा प्राप्त होती है। नरकासुर जैसे दुष्ट को माता से इन्हीं शक्तियों की कामना रहती है। नरकासुर जैसे दुष्ट ये भूल जाते हैं कि सर्वोच्च शक्ति पीठ पर यदि निस्वार्थ भावना से भक्ति की जाए तो उन्हें मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। किंतु जो सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं, वे मोक्ष की कामना करने के स्थान पर केवल चमत्कारी जादुई शक्तियों की विद्या को ही अर्जित करना चाहते हैं। उस दुष्ट नरकासुर ने अनेक शक्तियां प्राप्त की हैं माता कामाख्या देवी से, इसीलिए सभी देवता उस दुष्ट के आगे विवश हैं। किंतु माता ने एक दुष्ट असुर पर अपनी कृपा की ही क्यों? जन से नरकासुर असुर नहीं, वो श्री हरि नारायण के अवतार का पुत्र है। श्री हरि नारायण का पुत्र आसुरी प्रवृत्ति रखता है, आश्चर्य। उसकी कथा श्री हरि नारायण के तीसरे अवतार से संबंधित है। कैसे प्रभु? जब जब भूदेवी संकट में होती हैं, तब तब श्री हरि नारायण अधर्म और अनाचार का नाश करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। पर इस बार भूदेवी पर महासंकट बनकर छाया था। ऋषि कश्यप और देवी तिथि का दूसरा पुत्र हिरण्याक्ष। ओम देवाय नमः। और उसने मेरी तपस्या आरंभ की एवं उसका निश्चय इतना दृढ़ था कि विवश हो मुझे दर्शन देना पड़ा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वत्स हिरण्याक्ष, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। प्रणाम ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहो क्या वरदान चाहिए? इतना ही वरदान दे दीजिए कि हिरण्याक्ष का वध ना कोई देव कर सके, ना दानव, ना गंधर्व कर सके, ना मनुष्य, ना मेरे प्राण कोई सुर हर सके, ना असुर। तथास्तु। Ha 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 ha!
अब समय आ गया है हिरण्याक्ष, तीनों लोकों पर विजयी अभियान का। वरदान पाकर वो दुष्ट एक पल भी नहीं रुका, पृथ्वी का हरण कर लिया। कि कैसा भयंकर आकार ले लिया इसने। रुक जाओ, हद करो ये अनर्थ हिरण्याक्ष, नहीं तो सर्वनाश होगा। सर्वनाश, संपूर्ण सर्वनाश होगा, यही तो चाहता है हिरण्याक्ष। तभी तो होगा भजन बंद, यज्ञ बंद, और यज्ञ ही नहीं देवताओं की पुष्टि बंद। तब बलहीन देवता मेरे सामने अपने घुटने टेक देंगे। नहीं नहीं, मैं इसे अपने आप को स्पर्श नहीं करने दूंगी। परिहास करोगी तो तुम्हारा ही हास होगा। ठीक, तुम यही चाहती हो तो बंधने के लिए तैयार हो जाओ। कहा था ना मैंने कि मुझे नहीं रोक सकोगी। अंधकार के अंत में धकेल दूंगा मैं तुम्हें, जहां कीचड़ के सिवा कुछ नहीं होगा। फिर देखता हूं कैसे स्वयं को बचाओगी तुम। इस प्रकार भूदेवी को अपने मायावी बंधन में बांधकर किसी अत्यंत अंधेरे स्थान में ले गया। अब पहुंचे उचित स्थान पर। अपना धरती पर कोई जीव रहेगा और ना ही भगवान का पूजन करने वाला। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। हिरण्याक्ष अपनी सभी सीमाएं लांघ चुका है। यदि शीघ्र कुछ किया न गया तो भूदेवी भी ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सकेगी। हमें शीघ्र कुछ करना होगा प्रभु। तब तो हमारी सहायता एकमात्र प्रभु श्री हरि नारायण ही कर सकते हैं। हे प्रभु विष्णु, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु विष्णु, मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु दाजक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं। प्रणाम प्रभु हरि नारायण। हे
आनंद आ रहा है मुझे, आनंद। अब धर्म का विनाश होगा और अधर्म का विस्तार। अब धर्म का विनाश होगा और अधर्म का विस्तार। रक्षा कीजिए प्रभु, हिरण्याक्ष के आतंक से मुझे मुक्त कीजिए। तो क्या समय आ गया है प्रभु? क्या हुआ देवराज, आप रुक क्यों गए? जिसका भय था वही हुआ, और तुष स्वर्ग के द्वार तक पहुंच चुका। हमें उस दुष्ट को रोकना होगा। उस दुष्ट ने मुझे जावर माया विशाल में बांध कर अस्वस्थ कर दिया है। उसे रोकना असंभव है। आप चली जाइए और प्रभु श्री हरि नारायण से प्रार्थना कीजिए। अब केवल वो ही हमारी सहायता कर सकते। अब तो वो दुष्ट वरुण लोक में आक्रमण करने जा रहा है। मुझे जाना होगा देवराज। अब प्रभु श्री हरि नारायण की कृपा से हमें इस विकट स्थिति से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। विनती करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। अब वरुण लोक भी मेरा होगा। रुको, रुको। वरुण लोक पर अधिकार करना मुझसे युद्ध किए बिना संभव नहीं है। तुम्हारे ये बड़े बोल ही तुम्हारे सर्वनाश की आहट है। प्रभु, आपने ही मधु कैटब की मेदनी से मेरा निर्माण किया था। अब आप ही इस संकट से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। वरुण देव, मेरा सामना करने की मूर्खता मत करो। क्षति तुम्हारी ही होगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बड़ी विकट समस्या है प्रभु श्री हरि नारायण। मेरे दिए हुए वरदान के कारण ना तो कोई मानव उसका वध कर सकता है, ना दानव और ना ही कोई देवता। आओ, बस। मैं रोकूंगा तुम्हें। कर लिया प्रयास वरुण देव, मेरी शक्ति पर विश्वास हो गया तुम्हें? यदि उसे कोई मनुष्य, ऋषि मुनि
और ना ही कोई देवता रोक सकता है, तो फिर कौन रोकेगा उस अधर्मी को? पश्वश। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे श्री हरि, मेरी सहायता कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पृथ्वी और सृष्टि की रक्षा के लिए मेरे तीसरे अवतार का समय आ चुका है। उसका ये वरदान अब उसके लिए अभिशाप होगा। उचित है, अब मैं उसके अंत के लिए एक पशु के रूप में अवतार लूंगा। परंतु प्रभु, किसी साधारण पशु के लिए धरती को अधर्म के अनंत कीचड़ से निकाल पाना कहां संभव होगा? जो वारा कीचड़ में खेलने का आदि हो, उसके लिए यह कार्य तनिक भी कठिन नहीं होगा। हे सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव, मैं आपकी नासिकाओं से अपना वारा अवतार लूंगा। प्रभु वाराह की। धन्य है आप प्रभु हरि नारायण, मुझ पर कृपा करने के लिए, हिरण्याक्ष की दुष्टता से रक्षा करने के लिए। आप उस पशु का अवतार लेने से भी नहीं हिचकिचाए जिसे सदैव कीचड़ में ही विचरण करना पसंद है। यदि भूदेवी इस अंधकार के तल तक पहुंच गई तो वो सदैव के लिए खो जाएगी। मैं जानता हूं आपने ही मेरी रक्षा की है। आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। कौन था ये? किसका स्वर था? क्या छल रच रहे हो तुम देवता? लगता है अभी प्रभु श्री हरि नारायण की महिमा से परिचित नहीं हो तुम। कौन है ये हरि नारायण? बताओ, कहां मिलेंगे ये हरि नारायण जिसके अंक के साथ मैं काल के पन्नों में सदा के लिए अंकित हो जाऊंगा। सावधान रहना हिरण्याक्ष, कहीं जो तुम सोच रहे हो उसके विपरीत ना हो जाए। अभी भी समय है हिरण्याक्ष, लौट जा वापस। बस ब्रह्मदेव, तो साहस मत करो। जो मैं सुनना चाहता हूँ बस उतना बताओ।
अन्यथा अपने ताप से जल तत्व को भाप बनाना जानता हूं मैं। बताता हूँ। बोलो, शीघ्र बोलो, कहाँ है वो? वो पालनहार है, रक्षक है। वो अवश्य भूदेवी की रक्षा के लिए गए होंगे। अब हिरण्याक्ष ही इस हरिनारायण का वध करेगा। क्या ये पशु, ये वाराही हरि नारायण है, विष्णु है? इससे युद्ध करने के पूर्व मुझे भूदेवी की रक्षा करनी चाहिए। विष्णु है तो हुआ करे, किंतु अब ये भी इस अंधकारी कीचड़ में उतरने के बाद भूमि के समान इसी में खो जाएगा। ये वो अंतिम कार्य था जो तुमने किया। अब इस अंधकारी कीचड़ में उतरने के बाद तुम्हारा जीवन भी लुप्त हो जाएगा। कोई हलचल नहीं है वहां। कहा था ना मैंने कि वरा भी इस अंधकारी कीचड़ में सदा के लिए खो जाएगा। अब कहो देवताओं, मेरे प्रकोप से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? असंभव को संभव बनाएंगे प्रभु वराह। उत्तर दो मुझे देवताओं, इस महाब्रह्मांड पर विजय पाने से कौन रोक सकता है मुझे? कौन? किंतु अब मैं इसे बंदी बनाकर ही रहूंगा। Stop!
इस पशु को इसके साहस का परिणाम अवश्य भुगतना होगा इसे। रुको, कहां बड़े आ रहे हो? से कायर भागते हैं, युद्ध के लिए ललकार रहा हूं मैं। जो भी हो तुम सामना करो मेरा दोस्त वसुवरा। अब दया नहीं करूंगा, पृथ्वी को तुझसे छीन कर फिर अपना बंदी बनाऊंगा। आपका उचित स्थान तो सौर मंडल में ही है भूमि देवी। प्रभु, मेरी सहायता करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पशु मिट्टी में रहने वाले मात्र एक बड़ा होकर इतना अहंकार। अब देखना, मैं तुम्हें धूल चटाकर भूमि को अपने साथ ले जाऊंगा और फिर उसे अंधकारी कीचड़ में डाल दूंगा। रोक कर दिखाओ मुझे। तुमने किया किंतु इसका अंत मैं करूंगा।
एक साधारण वरा में इतनी शक्ति कि मुझे रोक सके, असंभव है। यदि तुम सच में मेरा परिचय पाना चाहते हो तो ध्यान से देखो मुझे और पहचानो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिरदधानगम्यं। प्रभु तो अपने हर रूप में अत्यंत मनोहर है। ये कोई माया, तुम और कुछ नहीं, बस एक वरा हो। मैं इस बार तुम्हारा वध करूंगा और भूमि को भी अपने अधिकार में लूंगा। नहीं, तुम अब भूदेवी पर कोई अत्याचार नहीं कर सकोगे हिरण्याक्ष। बहुत समय व्यर्थ गवा चुका हूं मैं, अब और नहीं। अब इस पृथ्वी को दो भागों में बांट दूंगा और तुम्हारा वध भी करूंगा मैं। चक्र भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु का चक्र रोक लिया इसने, ये कैसे संभव है? अब भूदेवी को दो भागों में बांटने के लिए इस चक्र का ही प्रयोग करूंगा मैं। क्या हुआ भूदेवी, अब आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कीचड़ में सने को तो कोई चरणों में भी स्थान ना दे, किंतु आपने मुझे मस्तक पर रखकर उस कीचड़ से बाहर निकाल लाए, मेरी रक्षा की। उस दुष्ट को मुझे लेकर एक बुरा शब्द भी नहीं कहने दिया। उस प्रकार मेरा ध्यान रखा जैसे एक पति अपनी पत्नी का रखता है। तो प्रभु, अपनी इस दासी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की कृपा कीजिए। फिर प्रभु वाराह ने क्या उत्तर दिया भूदेवी को? प्रभु ने भूदेवी से गंधर्व विवाह करके उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। प्रभु वाराह की जय।
भूदेवी की जय, प्रभु वराह की जय। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए यह अत्यंत शुभ अवसर था। विवाह के उपरांत माता और प्रभु एक साधारण आश्रम में रहे और शीघ्र उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई। ये मेरे जीवन का सबसे सुखद पल है प्रभु। मैं जानता हूँ देवी, किंतु मुझे आपको एक दुखद समाचार भी देना है। मेरे अवतार का उद्देश्य संपन्न होने के बाद मुझे लौटना होता है और अब वो समय आ गया है। प्रिय, अब हमारे पुत्र का ध्यान रखना आपका दायित्व है। मैं जानती हूँ स्वामी, सृष्टि के पालनहार को मैं चाहकर भी नहीं रोक सकती, किंतु जाने के पहले एक कृपा तो करके जाइए। अपने पुत्र को उसका नाम देते जाइए। इसका नाम नरकासुर होगा, नरकासुर होगा, नरकासुर होगा। नरकासुर? किंतु ये तो किसी असुर के नाम के जैसा प्रतीत होता है स्वामी, क्या ये मेरे लिए चिंता करने का विषय है? हाँ देवी, हमारे पुत्र में दोष का आभास हुआ है मुझे। यदि इसे बुरी संगति मिली तो इसमें असुरी प्रवृत्ति भी जागृत हो सकती है। असुरी प्रवृत्ति स्वामी? किंतु एक असुर जितना प्रभावी होता है उसका अंत हिरण्याक्ष के समान उतना ही भयंकर होता है। नहीं नहीं, मैं अपने पुत्र के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। तब आप इसे बुरी संगति से बचा कर रखिए, मेरा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ है। स्वामी, ये हमारा पुत्र है, मैं इसकी माता हूं, मैं इसे कभी गलत मार्ग पर नहीं चलने दूंगी, कभी नहीं। किंतु फिर उसके आचरण में दोष कैसे आ गया, वो असुर कैसे बन गया? बताता हूँ, उसे आसुरी प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए भूदेवी एक निर्जन वन के कोने में रहने लगी। समय बीतता गया, भूदेवी ने उसे उत्तम संस्कार दिए, शिक्षा दी और नरकासुर एक तेजस्वी युवक बन गया। पर उसका किसी से किसी भी प्रकार का कोई परिचय नहीं था। माँ, आपने मुझे घर में ही क्यों रखा है, बाहर ही नहीं जाने देती? आज फल लेने मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं नहीं, फल का वो भाग जंगली पशुओं से भरा हुआ है पुत्र। तो फिर मैं आपकी रक्षा के लिए चलता हूँ। मैं जानती हूँ तुम सक्षम हो पुत्र, किंतु वहां मुझे कुछ नहीं होगा। पर अगर तुमने ध्यान नहीं किया तो फिर तुम वो तेजस्वी पुत्र कैसे बनोगे जिस पर इस माँ को गर्व होगा। ठीक है माँ, मैं रुक कर ध्यान करूँगा, किंतु आपको मेरे लिए सबसे मीठे फल लाने पड़ेंगे। मैं तुम्हारे लिए सबसे मीठे फल लाऊंगी पुत्र, किंतु तुम आश्रम से बाहर कदापि मत जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धीरे धीरे आगे बढ़ो, ध्यान से, हमें कोई देख ना ले। रहना होगा, जब हमारा मुखिया हमारे साथ है तो हमें भला किसका भय। हाँ, इतने सारे मीठे फल हैं वहाँ, उनके लिए तो मैं अपनी प्राण भी दांव पर लगा सकता हूँ। आश्रम से बाहर कदापि मत जाना पुत्र। पीछे क्यों खड़े हो, डरते क्यों? आओ ना, आगे आओ, डरो मत। जीवन में छोटी गलतियाँ भी नहीं करोगे तो जियोगे कैसे?
जीवन का आनंद कैसे लोगे? ये तो मेरे जैसे हैं। तो फिर माँ ने क्यों कहा था कि हमारे समान इस संसार में बस हम दोनों ही हैं? ध्यान से देखो और बताओ कोई है तो नहीं। रुको, फंसना होगा तो वो फंसेगा। यदि माली के वार से वो चिल्लाया तो समझ जाएंगे कि माली घाट लगाए बैठे थे। हम सभी छूमंतर हो जाएंगे। जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे बाणासुर। बाणासुर? आओ आओ, यहाँ बहुत सारे मीठे फल हैं। आओ जाओ। चल तोड़ते हैं। अपनी टोली को भीतर भेजकर ये यहाँ क्यों खड़ा रह गया? कौन कौन है? पकड़ो इन्हें, आज जाने ना पाए। पकड़ो, जाने ना पाए। हर दिन चोरी करते हैं, आज पकड़कर ठीक ही कर देंगे। सारे माली एक साथ, अब क्या करूं? भागने में ही भलाई है। ओ रुको, मैं आ रहा हूं। भागो। तुम्ही हो ना इनके मुखिया, आज तुम्हारी मुखियागिरी निकाल देता हूँ। बचाने नहीं गया था ये, बस फल उठाने गया था। वाह, आज तो आनंद ही आ गया। आखिर मालियों को छका कर जो पाया है, आज मीठे फलों का स्वाद दुगना आनंद देगा। क्या हुआ बाणासुर, आप किस सोच में हो? मुझे बचाने वाला कौन था? उसे पहले तो कभी नहीं देखा। वो मैं था। तुम कौन हो? आज पहली बार देखा है तुम्हें। पुत्र नरकासुर, पुत्र। मैंने भी तुम सभी को कभी नहीं देखा। कौन हो तुम लोग? हमारे मुखिया को नहीं जानते? तुम जो भी हो, ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि तुम मेरे ही जैसे हो, तुम्हें मिलने आ गया। हम सभी आपस में मित्र हैं, इसीलिए साथ बैठे हैं। तो मैं भी बन जाता हूँ तुम्हारा मित्र। तुम जानते हो किससे मित्रता का अधिकार मांग रहे हो? यह महाबली के बेटे बाणासुर है। तो फिर मैं भी भूदेवी का पुत्र नरकासुर हूँ। कहाँ चला गया मेरा पुत्र नरकासुर? कहीं स्वामी ने जो कहा था वो सत्य ना हो जाए? और मेरी माँ ने कहा था कि हमारे जैसे इस संसार में बस हम दो ही हैं। तो क्या तुम हमारे जैसे असुर नहीं? असुर? ये असुर क्या होता है? असुर का अर्थ है नियमों से मुक्ति और स्वतंत्रता, अपनी इच्छा से कुछ भी करने की छूट। अर्थात असुर जो चाहें वो कर सकते हैं, उन्हें किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं।
असुर आज्ञा लेते नहीं, देते हैं। तो सुनो मेरी आज्ञा, मुझे अपना मित्र बनाओ, असुर रूप में स्वीकार करो। लगता है ये वास्तव में असुर बनना चाहता है, तब तो इसका प्रमाण देना होगा। पहले योग्यता प्रमाणित करो, तब बनोगे हमारे मित्र। बोलो, करोगे? मैं तैयार हूँ। अपने ही घर में चोरी करवानी होगी तुम्हें। असुर सोचते या हिचकिचाते नहीं, बस कर देते हैं जो करना होता है। ठीक है, तो चलो अभी। अब मुझे चिंता हो रही है, कहीं मुझे ढूंढने तो नहीं चला गया? सूर्यास्त भी होने को है। रुको, तुम्हारी माता है ना ये, इन्हें जाने दीजिए, उसके बाद ही तो तुम चोरी कर पाओगे। आओ, भीतर आओ। चुराने योग्य तो यहाँ कुछ भी नहीं है ना। ये देखो, ये मुझे दो। और भी हैं, माँ के आभूषण। ये मुझे दो, कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी हैं। ये देखो, ये मेरे हैं। अब चलो। नहीं 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 नहीं, जाने से पहले मुझे वचन दो, तुम मुझे अपना मित्र बनाओगे? चिन्ह मेरे जन्म से ही है। तो है, हमें उससे क्या, हमें तो जीवन का आनंद लेना है। अब हमसे वो सीखो तुम। संसार की हर बुराई और हर बुरे संस्कार से जिसे उसकी माँ ने बचाकर रखा था, वो स्वयं बुराई की ओर अग्रसर हो गया। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही जो हमारे समान गुण रखते हैं, हम उनकी ओर ही आकर्षित होते हैं। संत प्रवृत्ति वाले संतों की ओर और दुर्जन प्रवृत्ति वाले दुर्जनों की ओर खिंचाव अनुभव करते हैं। ऐसा ही कुछ नरकासुर के साथ भी हुआ। ये लो, तुम भी हमारी टोली के हो, कल फिर मिलेंगे। अपने ही घर से चोरी करने का ये पुरस्कार मिला है तुम्हें पुत्र? मैंने तुम्हें ये सीख तो नहीं दी थी? हाँ, पता है आपने क्या सिखाया था? यहाँ हमारे जैसे बस हम दो ही हैं। सच सिखाया था, ये क्षेत्र अब असुरों के अधीन है और हम असुर नहीं हैं पुत्र। आप नहीं होंगे, पर मैं तो अब एक असुर ही हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? हाँ, अब मैं जान गया हूँ, असुर किसी नियम के अधीन नहीं होते। ये असुर होना भी नहीं, बस एक मूर्खता है, कपट है, कुटिलता है। और जो भी तुम्हें ये सब सिखा रहे हैं, वो तुम्हारे मित्र नहीं, शत्रु हैं।
घोर शत्रु। नहीं माँ, मुझे उनके साथ बहुत आनंद आया। आज पता चला मुझे कि आश्रम के बाहर भी एक संसार है जिससे बचाने के लिए मैंने तुम्हें इस संसार से छिपाए रखा। तुम वहीं खींचे जा रहे हो। अपनी माँ का विश्वास करो पुत्र, ये आनंद नहीं छलावा है, और वो मित्रता नहीं बस बुरी संगति है। मेरा आनंद छलावा कैसे हो सकता है माँ? बगीचे से फल चुराना, दूसरों को डराकर उनसे सब कुछ छीन लेना, जब जैसी इच्छा हो वैसा करना, बहुत आनंद आया मुझे, और मैं तो उन्हीं के साथ रहूंगा। ठीक है, यही तुम्हारी इच्छा है, तो अपनी माँ को भूल जाना, क्योंकि ये माँ अपने पुत्र को असुर बनता नहीं देख सकेगी। तुम्हें भूखा देखना स्वीकार है पुत्र, पर तुम्हें किसी दूसरे का भोजन करते हुए ये माँ नहीं देख सकेगी। निर्णय तुम्हें ही लेना है पुत्र, कि तुम्हें सन्मार्ग पर ले जाने वाली माँ चाहिए या कुमार्ग की दिशा पर ले जाने वाले वो जिन्हें तुम मित्र मानने लगे हो। व्यक्ति की संगति उसके चरित्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाती है।